काली कमाई पर वार, 5 दिन से लगातार। किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने फैलाने का काम किया है। काले धन का अंबार, कितने किरदार। मैं विश्वास से कह रहा हूँ, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। झारखंड टू उड़ीसा, कहाँ तक भ्रष्टाचार के तार। पैसा इतना बड़ा था लूट का कांग्रेस के नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। 300 करोड़ झांकी है, गिनती अभी बाकी है। तो 300 करोड़ की झांकी और गिनती अभी बाकी है। वाकई में सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर रेड बरकरार, 5वां दिन आईटी की रेड काज। तो बंगले पर आयकर विभाग की टीम देख के मौजूद है। 5 दिनों से टीम की रेड चल रही है। अब तक 300 करोड़ से ज्यादा बरामद किए जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में जो नोट यहाँ पर बरामद किए गए हैं और जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, देखिए एक एक करके नोट किस तरह से टीम निकालती हुई, खंगालती हुई, और नोटों के जो बंडल अलमारियों के अंदर नजर आए, इनमें नमी आ गई थी, परेशानी हो रही थी। जितनी मशीनें यहाँ पर लगाई गई थी काउंटिंग के लिए, वो तक खराब हो गई थी। हालांकि इसको लेकर अब सियासत भी हो रही है, बीजेपी लगातार कांग्रेस पर वार कर रही है। ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे ये कार्रवाई चल रही है। अलग अलग राज्यों में, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आईटी ने रेड मारी है। यहां पर कार्रवाई पिछले कई दिनों से चल रही है। 3 राज्यों में 25 ठिकानों पर आईटी की ये रेड चल रही है। और रेड अब तक 300 करोड़ कैश बरामद इसमें हो चुका है। देखिए 5वां दिन रेड का है और लगातार नोटों की गिनती की पूरी जो प्रक्रिया है चल रही है। 5वें दिन भी ये प्रक्रिया यूं ही जारी रहने वाली है, लगातार हो रही है नोटों की गिनती। और इसमें आज 5वां दिन हो गया है जब आईटी अपनी कार्रवाई करती हुई। धीरज ठाकुर हमारे साथ हैं जो कि रिपोर्ट कर रहे हैं इस खबर पर। गुड मॉर्निंग नीरज, इस तरीके से पूरी कार्रवाई अब तक हो रही है, कैश लॉक में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। कांग्रेस पर लगातार जो है धीरज, बीजेपी हमलावर मोड में नजर आ रही है। आज आईटी के रेड का 5वां दिन है, क्या शुरुआती इनपुट्स आज की कार्रवाई के आपके पास? देखिए, रांची का जो आवास है धीरज साहू, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके यहाँ लगातार आज 5वें दिन भी अधिकारी पहुंचे और आज भी छापेमारी जारी है। लेकिन लोहरदगा की अगर बात करूं तो लोहरदगा में कल ही रात को बंद हो चुके हैं छापेमारी। अब उड़ीसा और झारखंड रांची में ये छापेमारी चली है। तो अब तक का अपडेट ये है कि रांची का जो आवास है राज्यसभा सांसद धीरज साहू, वहाँ आज भी अधिकारी पहुंचे हैं और आज भी जारी है, 5वें दिन लगातार जारी है। ये बेहद ही चौंकाने वाला है। और यहाँ के आम लोग से भी आप बात करेंगे तो ये लगेगा कि एक बहुत चौंकाने वाली जो सामने बातें आ रही हैं, लगातार बीजेपी इसको लेकर के हमलावर है। चौंकाने वाली यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है। देखिए 2018 में किस तरह से सांसद जी ने जो शपथ पत्र यहाँ पर जारी किया था, उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा यहाँ पर दिया था, 34 करोड़ की संपत्ति, यहाँ तक की कर्ज की भी बात उन्होंने कही थी। यानी ये माना जाए कि 5 साल में इतनी कमाई हो गई कि आंकड़ा 300 करोड़ के पार हो गया। जी, आज इसी को लेकर के सुबह सुबह जो गोड्डा से सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि जो रकम मिले हैं 300 करोड़ के जो आसपास बताए जा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और इसीलिए जो अधिकारी जो हैं छापेमारी ओडिशा और रांची में जारी है। लेकिन ये आप आम लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर भी, तो लोग भी हतप्रभ हैं कि आखिर इतने कैश। अगर व्यापार कहा जा रहा है कि वो एक बहुत बड़ी व्यापारी घराने से हैं, तो लेकिन इतना कैश का फ्लो कहाँ से आया और इसका जवाब अभी तक नहीं है। जहां तक यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी का जवाब तलाशने की पूरी कवायद जो है जारी है लगातार। धीरज ठाकुर रांची से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इस खबर पर अपडेट्स लगातार सामने आती रहेंगी। ज़ी न्यूज़।